नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चूँकि अब चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, तो ऐसे में अब बात अगर मध्य प्रदेश चुनाव की करें तो मध्य प्रदेश चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल जो है वो काफ़ी अहम नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सपा से उम्मीदवार को बीजेपी में शामिल करवाया है, ये एक अलग खबर है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से विभागीय नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस से बगावत कर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी के सदस्य लेते ही उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो कई राज उनके अंदर थे वो उन्होंने उजागर किए। और इस दौरान कांग्रेस के राज खोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल 2018 में कितनी सीटों पर क्लोज फाइट, पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था और 3 बीजेपी जीती थी तो 7 कांग्रेस सीटें जीती थी, तो 8 सीटों पर हार जीत का अंतर 1 या फिर 2000 के बीच में था, तो 5 बीजेपी जीती थी और 3 कांग्रेस के खेमे में आई थी। तो वहीं 12 सीटों पर हार जीत का अंतर 2 से 3000 के बीच में था और इस दौरान 6 बीजेपी जीती थी और 5 कांग्रेस के खेमे में आई थी और 1 बीएसपी के खेमे में आई थी। तो इस दौरान आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कांग्रेस पर आए दिन जमकर निशाने साधे जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर हमलावर रवैया अपनाए नज़र आते हैं, तंजनात्मक रवैया अपनाए नज़र आते हैं और इसी कड़ी में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के तमाम गहरे जो राज थे वो खोल दिए हैं और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया करते नज़र आते हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से बीजेपी ज्वाइन की है उनके हाथों में एक पावर आ गई है जो कि उन्हें कांग्रेस में नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी और इसी कड़ी में अब कांग्रेस से बगावत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का जो प्रचार है, बीजेपी का मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर काफ़ी वे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नज़र आए और उनकी कांग्रेस की पोल ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से खोली गई और आए दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कांग्रेस को लेकर तमाम बयानबाजी की जाती है जो देखने को मिलती है।